स्टूडियो में मैंने की है हॉट 6 प्रो की अनबॉक्सिंग, इनफिनिक्स हॉट 6 प्रो की अनबॉक्सिंग। मैं आपको इसकी एक्सेसरी दिखाता हूँ, इसमें एक्सेसरी क्या क्या है। बाकी मैंने इस वीडियो में इसका फुल रिव्यू किया है, पूरी की पूरी गेम वीडियो प्ले करके बताई है। इसमें एक्सेसरी आ रही है एक सिलिकॉन जेली कवर जो आप देख सकते हैं, और इसमें आ रही है एक अदद हैंड फ्री बूफर वाली, और इसमें एक आ रही है नीडल सिम निकालने के लिए, और 1.2 एम्पीयर का इसमें एक चार्जर आ रहा है, और एक आ रही है डाटा केबल, और एक आ रहा है इसमें प्रोटेक्टर जो आप इसकी स्क्रीन पर लगा सकते हैं, और साथ में है इसकी 1 ईयर की वारंटी। इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, इस वीडियो में हर एक फीचर की मैंने रिव्यू किया, हर एक फीचर को चला के बैटरी टेस्टिंग, कैमरा, गेम, हर चीज़ की बताई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान अली, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक फाइंडर। तो दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ हॉट 6 प्रो की, जिसमें चिपसेट है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। सबसे बड़ी बात इसकी 4000 mAh बैटरी है। आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, इसका करेंगे रिव्यू। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इससे योगा मेडिटेशन जो वीडियो होगी आपको मिलती रहेगी। चलिए हम शुरू करते हैं हॉट 6 प्रो की अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो, तो हम जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले आप इसका बॉक्स देख लें, हॉट 6 प्रो। आप देख सकते हैं इसके बैक पर हॉट 6 प्रो 6.0 इन्फिनिटी डिस्प्ले, ड्यूल कैमरा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, 4000 mAh की बैटरी, 4G LED और फेस ID, यानी कि इसमें फेस अनलॉक भी मौजूद है। तो हम कर लेते हैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग। तो आप दोस्तों देख सकते हैं फर्स्ट लुक, जल्दी से हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। ऊपर से लगा हुआ है एक पेपर, हॉट 6 प्रो ड्यूल अमेजिंग, बाकी वही जो बॉक्स पे लिखा हुआ था। मैं जल्दी से इसका उतार लेता हूँ ये, तो मैं कर लेता हूँ इसे ऑन। तो आप देख सकते हैं इनफिनिक्स, बैक लुक देख लीजिए, बैक का पेपर लगा हुआ, मैं उतार लेता हूँ। आप इसकी बैक भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी लुक देख लीजिए, प्योर ब्लैक, वेरी नाइस फोन इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो। इसके ऊपर ये वाली लाइनें दी गई, ये नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करता है आपके। नीचे देख लीजिए, आपको यहाँ पे मिलेगा जी स्पीकर, माइक्रो यूएसबी केबल, माइक और हैंड फ्री लगाने के लिए पोर्ट। तो हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, आप फ्रंट पे देख सकते हैं इसका। चलिए से हम कर लेते हैं हम इसका सेटअप इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो का। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी मेन डिस्प्ले। दोस्तों हम कर लेते हैं इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो की कैमरे की बात। दोस्तों इसमें ड्यूल कैमरा दिया गया है, इसमें दो कैमरे ड्यूल दिया गया है। इसमें दोस्तों एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। इसमें दोस्तों ऑटो फोकस दिया गया है और मज़ीद इसमें फंक्शन दिए गए हैं जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। कैमरा ऑन होने पे आप देख सकते हैं इसमें HDR दिया गया है, फ्लैश लाइट। आप इसमें इस फंक्शन से इसका डिस्प्ले फुली भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब मैं क्लिक कर देता हूँ, इसका डिस्प्ले देखें कम हो गया है और फुली भी कर सकते हैं। इसमें मूड दी गई है कुछ, इससे आप इसकी ग्राफिक चेंज कर सकते हैं, ब्लैकिंग वाइट कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, काफ़ी तरह का इसमें आप कर सकते हैं। तो आगे हम आ जाते हैं सेटिंग में। मज़ीद सेटिंग में जाने के बाद आप इसमें फंक्शन दे सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर डिले कैप्चर दिया गया कि आप टाइमर लगाकर तस्वीर ले सकते हैं, जितने मर्जी का टाइम लगाएंगे आप उसे तस्वीर ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है टच कैप्चर, आप इसे स्क्रीन पर टच कर तस्वीर इजीली ले सकते हैं। आगे गाइडलाइंस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक गाइडलाइन देगा कि कहाँ कहाँ आपका इनकी तस्वीर आ रही है। तो अगला है लेवल, लेवल में आपको बताएगा कि लेवल सीधा और टेढ़ा लेवल कौन सा है। नीचे आप देख सकते हैं ऑटो वाटरमार्क, ये ऑटो वाटरमार्क है, ये आपको आप अपनी मर्ज़ी से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपके हॉट 6 प्रो है इसका वो आपको मॉडल नंबर बताएगा। तो दोस्तों मैं बैक आ जाता हूँ, अब नीचे से बैक आने के बाद आप नीचे देख सकते हैं इसमें मूड दी गई है। इसमें पहली मूड जो दी गई है उसके अंदर आप पैरानोमा, नाइट्स, टाइम लैप्स, प्रोफेशनल, सेकंड में वीडियो है, उसे आगे जाते हैं आपको वहाँ मिलती है ऑटो, ऑटो यानी कि पिक्चर ले सकते हैं। ब्यूटी मूड मिलती है इसमें, और आपको यहाँ पे मिलती है पोर्ट्रेट मूड। पोर्ट्रेट मूड ये होता है कि आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, कोई भी आप तस्वीर खींचेंगे तो आप उसका इजीली बैकग्राउंड है वो ब्लर कर सकते हैं, वो इसमें मौजूद दिया गया है। अब हम आ जाते हैं इसके फ्रंट कैमरे की तरफ। दोस्तों
फ्रंट कैमरा। तो दोस्तों फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल दिया गया है एलईडी फ्लैश लाइट के साथ। इसमें एलईडी फ्लैश लाइट मौजूद है। फ्रंट में इसके ब्यूटी मोड दी गई है, ऑटो दी गई है, वीडियो भी दी गई है फ्रंट में। फ्रंट में भी वही सेम मोड दी गई है आपको जो मिलेगी, टाइमलेस एंड वाइल्ड सेल्फी, यानी कि आप फुल बड़े एंगल से सेल्फी ले सकते हैं। ब्यूटी मोड में दोस्तों इसको आपको मिलती है 4 किस्म की लेयर, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से ब्यूटी मोड लगा सकते हैं। और आपको यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन मिलता है कि आप अपना बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कैमरे में मेरा बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। तो मैंने आपको बताया इसके फ्रंट कैमरे का, अब हम चलते हैं इसके अगले फीचर की तरफ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, इसका डिस्प्ले कितना है। इसके डिस्प्ले का साइज़ दोस्तों 6.0 इंच इसका साइज़ है, 6.0 इंच इसका साइज़ डिस्प्ले साइज़ दिया गया है। कैपेसिटिव IPS LCD टच स्क्रीन, 16mm कलर, डिस्प्ले रेजोल्यूशन 720x4040 पिक्सल। जो दोस्तों इसकी PPI डेंसिटी है वो 268 PPI दी गई है। मैं इसमें अब सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ, एक आपको इसकी रेजोल्यूशन दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले का ग्राफिक्स, डिस्प्ले की रेजोल्यूशन देख सकते हैं 720p। मैं अगला प्ले कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले ग्राफिक्स। हम चलते हैं अगले फीचर की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, इसमें प्रोसेसर कितना दिया गया है। दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर है 1.4 GHz क्वाड कोर इसमें प्रोसेसर दिया गया है। इसमें चिपसेट की बात कर लेते हैं, चिपसेट कितनी दी गई है। इसमें चिपसेट दी गई है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 425, इसमें यानी कि चिपसेट दी गई है। मैं इसमें गेम प्ले कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं तो हमारी गेम प्ले हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसकी गेम की परफॉर्मेंस। इस तरह मैं और गेम प्ले कर लेता हूँ, आप ये गेम देख सकते हैं इसकी गेम की परफॉर्मेंस। प्ले कर लेते हैं, जो प्रोसेसर इसका बहुत अच्छा है, ये गेम देखें इजीली चला रहा है, ये कोई हैंगिंग वैंगिंग कोई ऑप्शन नहीं है, देख सकते हैं। तो हम गेम ऑफ कर देते हैं। अब इसके हम मज़ीद फीचर की बात कर लेते हैं जो इसमें दिए गए हैं मज़ीद फीचर। इसमें 200 रैम दी गई है, 3 GB रैम दिखा। ये होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन एट अ टाइम काफ़ी सारी खोल सकते हैं, तो आपका मोबाइल स्लो नहीं होगा, हैंग नहीं होगा। तो मैं रैम 3 GB है, तो ये मैंने ये एप्लीकेशन खोली हुई है, देखें कितनी सारी मैंने एप्लीकेशन है। इसमें मोबाइल मेरा कोई भी स्लो नहीं हो रहा, मैं जैसे ही कोई चीज़ खोल रहा हूँ वो वैसे ही खोल रहा है, ये देखें फ़ोन। ठीक है, मैं वो वाली गेम दोबारा खोल लेता हूँ। ये वहीं पर से जहाँ से मैंने स्टॉप की होगी उधर से ही खोलेगा। रैम का ये मकसद होता है 3 GB इसमें रैम, बिल्टन मेमोरी दोस्तों जो कि इसमें दी गई है 32 GB तक। आप इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, ये 256 GB तक का कार्ड सपोर्ट करता है। आप इसमें एट अ टाइम 2 सिमें एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, 2 यानी कि ड्यूल नैनो सिम इसमें डलती है, और एक मेमोरी कार्ड इसमें 256 GB का डाल सकते हैं। कर लेते हैं वापस इसको। तो दोस्तों इसमें जो सॉफ्टवेयर दिया गया है वो 8.0 ओरियो दिया गया है। इसका वेट है वो दिया गया है 145 g इसका वेट दिया गया है। इसमें 3G 4G तीनों इनेबल है, आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ GPS FM रेडियो USB NFC इंफ्रारेड इसमें नहीं है। तो दोस्तों इसकी मुझे जो ख़ास बात लगी है वो इसकी बैटरी है। दोस्तों 4000 mAh इसकी बैटरी दी गई है जो कि बहुत अच्छा है। ये 2 दिन हो गए मैंने इसे चार्ज किया हुआ है, 2 दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, इसमें अभी तक बैटरी का कोई प्रॉब्लम नहीं। बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। इसमें दोस्तों सेंसर की बात कर लेते हैं, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी
और इसमें फिंगरप्रिंट भी मौजूद दिया गया है। ये बैक पर इस पर फिंगरप्रिंट दिया गया है, आप इस पर ईजिली फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं जो कि ईजिली वर्क कर सकता है। और इसमें सिक्योरिटी में इसमें फेस अनलॉक भी दिया गया है, आप इसमें फेस अनलॉक भी लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ऑप्शन ऑन करने पर आप इस पर ईजिली अपना फेस अनलॉक लगा सकते हैं। पैटर्न लॉक लगाने के बाद यस करना है, इसके बाद आपने जो पैटर्न लॉक लगाना है वो लगाना है, कंटिन्यू करना है, एक बार दोबारा लगा लेना है। तो आपसे फेस लॉक का पूछेगा कि भाई ऐड करो अपना फेस लॉक, तो आप इजीली इसमें अपना फेस लॉक लगा सकते हैं। तो आप फेस लॉक भी लगा सकते हैं। मज़ीद फंक्शन की बात कर लेते हैं, हम ऊपर से नीचे आते हैं नोटिफिकेशन बार से, तो आप यहाँ पे देखते हैं आपको यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ, डाटा कनेक्शन, फ्लैश लाइट, डोंट डिस्टर्ब, फ्लाइट मोड, ऑटो रोटेशन, लोकेशन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वन हैंडेड यूज़ भी आप इससे ही कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन वन हैंडेड यूज़ कर सकते हैं, छोटी सी स्मॉल स्क्रीन हो जाएगी, ये वन हैंडेड स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं इजीली इसमें। फिर मैं मज़ीद नीचे कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिलेगा, बिल्टन आई केयर भी मिलेगी, इसमें एंटी डिस्ट्रप्शन है, यानी कि आप जब गेम खेल रहे होंगे तो आपको मोबाइल कोई भी गेम में गए आपको कोई भी कॉल आएगी तो आपकी गेम बंद नहीं होगी, आपको नहीं मोबाइल डिस्टर्ब नहीं करेगी कोई भी आने वाली कॉल। यहाँ पर आप कॉस्ट है, यहाँ से आप LCD पे अपना मोबाइल कर सकते हैं। डाटा सेवर, आप इसमें अपना डाटा यानी कि सेव कर सकते हैं, जो भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं वो फुल परफॉर्मेंस यानी जितनी भी एप्लीकेशन होगी सबसे नहीं देगा, जहाँ पर आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पर ही डाटा इसका यूज़ होगा। तो दोस्तों अब हम चल देते हैं इसकी मज़ीद सेटिंग में, मैं जाता हूँ सिंपली सा इसकी सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद आपको फर्स्ट में मिलता है इसका नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग, आपको फर्स्ट में वाईफाई डायरेक्ट, मोबाइल डाटा, डिस्प्ले, नेटवर्क की स्पीड, जो आप भी नेटवर्क यूज़ करेंगे उसकी स्पीड मिलती है। सेकंड में आपको होस्ट पोर्ट सेटिंग, सिम कार्ड और VPN, एरोप्लेन मोड मिलता है। हम वापस में आते हैं, आपको यहाँ पर मिलती है ब्लूटूथ कॉस्ट, जो आप डिस्प्ले की यानी कि LCD से कनेक्ट कर सकते हैं वो मिलती है। आगे बैटरी मिलती है, बैटरी में आप परसेंटेज, बैटरी सेवर जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हैं। डिस्प्ले, साउंड, सिक्योरिटी, अकाउंट्स, एक्शन एंड गेस्टर, इसमें मौजूद है एक ऑप्शन एक्सर एंड गेस्टर, आप एक्शन एंड गेस्टर में चल देंगे। आपको यहाँ पे ऑन करने पे आप डबल स्क्रीन टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन जब ऑफ होगी तो डबल स्क्रीन टैप करने पे आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, डबल स्क्रीन टैप करेंगे आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो ये भी इसमें काफ़ी अच्छा फंक्शन दिया गया है। हम बैक आ जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी इसमें मौजूद दी गई है। बाकी सिस्टम में मैं चल जाता हूँ, अब इसके सिस्टम में आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अबाउट फ़ोन में अब आ जाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर, CPU 4 कोर्स, 1.4 GHz, 3 GB RAM, 32 GB ROM, 4000 mAh की बैटरी, कैमरा इसका 13 MP प्लस 2 MP कैमरा, फ्रंट कैमरा 5 MP, स्क्रीन रेजोल्यूशन इस पर लिखी हुई है। इन्फॉर्मेशन, मॉडल नंबर आप देख सकते हैं इसका, एंड्रॉयड वर्जन देख सकते हैं। दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, अब मैं आपको अपने ओपिनियन देना चाहता हूँ, अगर आप ये मोबाइल बाय करना चाहते हैं तो आप इजीली बिला फिक्र होकर आप इसे मोबाइल को बाय कर सकते हैं। मोबाइल बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मैंने देखी, चलने में भी अच्छा है, और मज़ीद इसकी बैटरी टाइमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज भी ये बहुत अच्छा है, गेमें मैंने काफ़ी सारी प्ले की हैं उसमें भी इसने कोई भी हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई भी हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।